दोस्तों, डेलर पैड से आप सिर्फ एक ही काम करते होंगे, ओनली फोन मिलाना, सही है? लेकिन ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, इसमें आप बहुत सारे और भी काम कर सकते हैं। आज मैं आपको चार ऐसे खतरनाक ट्रिक बताऊंगा कि जो आपके बेसिक लाइफ में बहुत ही काम आएंगे। और चार नंबर की ट्रिक तो इतनी खतरनाक है ना कि आप उससे किसी की भी वाट लगा सकते हैं, बोले तो आप सब कुछ जान सकते हैं कि आपके मोबाइल में क्या गड़बड़ी है, सही है दोस्तों? तो हम शुरू करते हैं वीडियो, सीखते हैं कि आप डेलर पैड से क्या क्या कर सकते हैं। ओनली फोन मिलाना नहीं है और सिर्फ सुनना नहीं है, और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं, सही है? तो चलते हैं फोन की स्क्रीन में और आपको दिखाता हूँ कि आप क्या क्या काम कर सकते हैं, सही है दोस्तों? तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपना फोन डायलर ओके करेंगे, सही है? क्योंकि फोन डायलर के बारे में आपको बताया था, ठीक है? और यहाँ पर जो थ्री डॉट यहाँ पर ऊपर है, इस पे हम ओके कर देंगे और सेटिंग पे हम ओके कर देंगे, सही है दोस्तों? अब हम इधर नीचे चले जाएंगे और यहाँ पर लिखा होगा साउंड एंड वाइब्रेशन, सही, इसमें ओके कर देंगे, सही है? अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इधर तो ये वॉल्यूम है, इसमें क्या काम है? लेकिन मेरे दोस्त ऐसा नहीं है, सही है? तो हम इसके क्या करेंगे, नीचे जाएंगे, थोड़ा और नीचे जाएंगे और यहाँ पर जो ये नीचे लिखा होगा ईयर कस्टमाइजेशन साउंड इफेक्ट, इसमें ओके कर देंगे, सही है? और इसमें दोस्तों सबके मोबाइल में आपको ये बाय डिफॉल्ट ऑफ होगा, तो इसको आपने क्या करना है, यहाँ पर से ऑन कर देने का है, ठीक है? अब इसमें आपको सब लिखा हुआ अंडर 30 ईयर ओल्ड 30 टू 60 ईयर ओल्ड, तो आपने क्या करना है दोस्तों, आपको इसको अबोव 60 ईयर ओल्ड पे रख देने का है, क्योंकि अब आपका मोबाइल आपको इस तरह से ट्रीट करेगा कि जैसे आप 60 ईयर ओल्ड होंगे, इस तरह की आवाज आपके मोबाइल में आएगी, सही है? अब क्या करेंगे दोस्तों, अब हम चलते हैं फिर से बैक, हम जाएंगे फिर से डायलर पैड में, क्योंकि डायलर पैड की ही सेटिंग है चारों, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, डायलर पैड में ही जाएंगे और फिर से हम ये थ्री डॉट पे जाएंगे, ओके, ठीक है? और यहाँ पर सेटिंग पे फिर से ओके कर देंगे, ठीक है? सेटिंग पे ओके करेंगे और नीचे हम जाएंगे यहाँ पर जहाँ पर लिखा होगा कलर आईडी अनाउंसमेंट, सही है? अब हम इसमें ओके कर देंगे, ठीक है दोस्तों? अब हम इसमें क्या करेंगे, जो यहाँ पर लिखा होगा अनाउंसमेंट, ठीक है? अब यहाँ पर लिख बाय डिफॉल्ट आपके मोबाइल में भी होगा, तो अगर आप दोस्तों इसको ऑलवेज पे क्लिक करते हो, ठीक है, तो आपके मोबाइल पे जो नंबर सेव होगा या सेव नहीं भी होगा, तो उस जिस किसी की आपको कॉल आएगी तो आपका मोबाइल उसका नाम आपको बताएगा कि भाई इस आदमी का आपके पास नंबर वो फोन कॉल आई थी, सही दोस्तों? अब बात करते हैं तीन नंबर की सेटिंग को। तो दोस्तों चार नंबर की सेटिंग बहुत ही जरूरी देख रहे हैं, क्योंकि बहुत ही वीआईपी और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सही है? तो अब हम चलते हैं तीसरे नंबर की सेटिंग पे, सही है? इसके लिए हमें क्या करना है, फिर से अपना डायलर पैड ओपन करना है, सही है? और इसमें हम एक कोड डायल करेंगे, सही है? कोड डायल हम क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान से देखना, क्योंकि आप अगर एक भी वो सेटिंग अगर मिस कर देते हैं तो दोस्तों आपको फिर वो आपको बराबर समझ में नहीं आएगा, सही है दोस्तों? तो इस वीडियो को ध्यान से देखो, ठीक है? तो इसमें हम एक कोड डायल करेंगे *#4636# और उसके बाद दोस्तों फिर हम लगाएंगे इसमें स्टार, सके, और इसमें तीन सेटिंग खुल के आपको सामने आ जाएगी, ठीक है? अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये तीन सेटिंग तो सामने आ गई है, इसका हमें क्या काम है, ठीक है? तो दोस्तों इन तीनों सेटिंग में से हमसे सिर्फ एक ही सेटिंग से लेना देना है, सिर्फ एक ही सेटिंग, ठीक है? तो इसमें हम क्या करेंगे, इस पहले ऊपर वाले सेटिंग पे जो जाएंगे जहां पर होगा फोन इन्फॉर्मेशन, सही है? इनसे फोन इन्फॉर्मेशन में क्लिक कर देंगे, सही है दोस्तों? अब इसमें आपको इतने सारे ये आपका जो मोबाइल का पूरा चिट्ठा खोल के रख दिया इसने, ठीक है? अब हम इसमें इनमें से हमें कोई लेना देना नहीं है। अब हमने ऊपर लिखा हुआ सबसे पहले
सेलेक्ट फोन इंडेक्स, सही है, फोन इंडेक्स पे क्लिक करेंगे, सही है, और इसमें क्या करेंगे हम फोन वन पे क्लिक कर देंगे, सही है, फोन वन पे बोले तो सिम वन पे, सही है, सिम वन पे क्लिक करेंगे। अब इससे क्या होगा दोस्त कि जैसे, क्योंकि बहुत ही वीआईपी ट्रिक है, सही है, अब इसमें क्या करेंगे आप नीचे आएंगे, ये बहुत ही जबरदस्त है, इसलिए ये किस लिए है, क्योंकि अगर जब कहीं पर आप सिनेमा हॉल में या पहाड़ी इलाके में या कहीं पर ऐसी जगह में फंस गए जहां पर आपके मोबाइल में नेटवर्क नहीं है, तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं, इस सेटिंग को ऑन करके, आपके पास नेटवर्क नहीं है तो इसमें आप ओके करके, सही, ये डिसेबल की उसमें ओके कर देंगे, सही है, और इसमें आप 5 सेकंड, 10 सेकंड या 60 सेकंड के लिए उस अपना नेटवर्क ला सकते हैं अपने मोबाइल में, और तब तक आप दमा कहीं भी कॉल कर सकते हैं और अपना काम तमाम कर सकते हैं, बोले तो अपना काम पूरा कर सकते हैं, क्योंकि कई बार नहीं होता ना मोबाइल में नेटवर्क का कि हम ऐसी जगह पे चले जाते हैं कि जहां पर हमारे मोबाइल में नेटवर्क नहीं आता है, तो दोस्तों इसमें हम ये कर सकते हैं, ठीक है, तो आप तब तक अपना काम निपटा देंगे, ठीक है दोस्तों। अब आप जिस सेटिंग का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, चौथी नंबर की सेटिंग को, ठीक है, तो अब हम चौथी नंबर की सेटिंग में जाएंगे दोस्तों, सही है, अब हम क्या करेंगे फिर से फोन डायलर पैड में जाएंगे, सही है, क्योंकि चारों सेटिंग फोन डायलर पैड की ही है, अब हम क्या करेंगे फिर से हम वही कोड ही डायल कर देंगे, सही है, तो इसे हम क्या करेंगे स्टार हैज और 4636 और फिर हैज स्टार हैज और फिर लगा देंगे हम स्टार। अब हमसे फिर से यहीं पर हम बोलो तो ये अब उस बंदे के पोल खोल के रख देगी जो ये सेटिंग ऐसी है, सही है, अब आप बोलेंगे कि वाव मजा ही आ गया भाई, चौथी सेटिंग के बारे में सुन के तो मजा ही आ गया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जो यहाँ पर ये लिखा है ना डाटा यूसेज, सही है, ये लिख रहे होंगे आप, तो डाटा यूसेज पे हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। मान लेते हैं आपने कहीं पर, आप बाथरूम चले गए, कहीं चले गए, आपको किसी, आपने किसी बंदे को अपना फोन थमा दिया है, ठीक है, तो उसने आपके मोबाइल में क्या क्या छेड़ा है वो आपको सब पता लग जाएगा कि इस बंदे ने क्या क्या छेड़ा है, तो जैसे है यूट्यूब छेड़ा गया है, व्हाट्सएप छेड़ा गया है, एल्बम छेड़ी गई है, सिस्टम होम स्क्रीन पे गई, फेसबुक पे गई, इंस्टाग्राम पे गई, व्हाट्सएप बिजनेस पे गए, ओपन कैमरा पे गए, क्रोम ब्राउजर पे गए, ऐसे ऐसे इतने सारे जो जिस भी फोन पे जो उसने छेड़ा होगा आपको पता चल जाएगा, उसकी पोल खोल के रख देंगे कि भाई तूने मेरे मोबाइल में ये छेड़ा है, और वो बोलेगी वाओ भाई कैसा आपको पैसे पता चला, क्योंकि आप सोच रहे हैं दोस्तों कि देखो ये तो नीचे हिस्ट्री में भी पता लग जाता है कि हम इसने क्या क्या छेड़ा है, लेकिन दोस्तों वहां से तो डिलीट भी किया जा सकता है ना, है ना, अपना फोन का जो होता है, जैसे मान लेते हैं हम इस तरह का ना कि हम हमारे मोबाइल में कुछ किसी ने छेड़ा है, तो ये इस तरह आ जाएगा ना कि हाँ ये इसने, इस बंदे ने हमारे मोबाइल में ये छेड़ा है, लेकिन ये दोस्तों ये तो डिलीट किया भी जा सकता है ना, ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए एक लाइक शेयर तो जरूरी बनता है दोस्तों, ओके मेरा दोस्त, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, ओके।